और अंततः अपने घर की तरफ लौट आया हूँ, घर लौट आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस एक नए एपिसोड में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी, सुबह की सैर। और आज पुनः एक बार आप सभी के साथ जर्नी होगी साइकिल के साथ। जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक जो जर्नी है वो साइकिल के साथ करते हैं, और ये हमारे पास घर पे जो साइकिल रखी हुई है ये लगभग ये समझ लीजिए कि 30-35 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उसी स्थिति में है, वर्किंग स्थिति में है, जिसके साथ राइड करना हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ज़रा देखें और क्या क्या चीज़ें हमें इस चलिए देखें क्या क्या चीज़ें हमें इस राइड में समझ में आती है। मैं अभी अपने घर पे हूँ और बस जस्ट निकल रहा हूँ, लगभग 6 बजने वाले हैं और आज की हमारी जर्नी जो है शुरू होगी। आज थोड़ा जल्दी वापस लौटना पड़ेगा क्योंकि आज HC का अवकाश है और स्कूल जाना होगा। तो चलिए ज़रा जर्नी की शुरुआत करें और देखते हैं क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हमें दिखाई देती है। चलिए मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, मैं अपने घर से गली से निकल रहा हूँ और अब हम जाएंगे जंगल की तरफ। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो सुबह होती है बिल्कुल सन्नाटा सा है। फ्रेश एयर के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण जन हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है और वर्क करना शुरू कर दिए हैं। लीजिए अब हम आ चुके हैं मेन रोड पर, जो को नेशनल हाईवे 47, नेशनल हाईवे 7 का नाम बदलकर 7 हो चुका है, उसको कनेक्ट करता है। लेकिन आज हम इस रूट पर नहीं चलेंगे, किसी अन्य रूट पर चलते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है और हमारा गांव जो है वो एक टिपिकल गांव है। मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा है कि हम छुट्टियों में गांव आ जाते हैं, उसकी वजह ये है कि छुट्टियां में जब घर आ जाते हैं तो गांव में हमारे जो है केवल हमारे मम्मी और बाऊजी रहते हैं, साथ में छोटा भाई भी रहता है। तो छुट्टियां ये होती है कि परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ बिताओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमें भी अच्छा लगता है कि शहर की आपाधापी से दूर गांव में आना बड़ा सुकून देता है, और साथ ही हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी बढ़िया लगता है, उनकी मटरगश्ती अलग रहती है। तो चलिए देखिए
हम दूसरे तरफ मुड़ चुके हैं और यह रोड एक दूसरे गांव के ओर जाता है। ज़रा देखिए हम किस ओर चल रहे हैं। हम जिस ओर जा रहे हैं उस गांव की दूरी यहां से लगभग 4.5 किलोमीटर है, तो हम उसी जर्नी को करेंगे। देख सकते हैं कुछ बच्चे जो है वो मॉर्निंग वॉक पे भी निकले हुए हैं। हम जो राइडिंग कर रहे हैं यह राइडिंग थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कल की तुलना में, क्योंकि इस रोड पे, इस सड़क पर जो है बहुत कम ट्रैफिक होगा, लगभग ये समझ लीजिए कि नहीं के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र को कनेक्ट करता है, लेकिन इस साइड में जंगली जानवर के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं किस तरह का दृश्य है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट रखते हैं और कुछ नया अगर हमें दिखाई दे, कुछ नई चीज़ें दिखाई दे जंगली जानवरों में, तो वो दिखाएंगे। लेकिन उसके साथ ही आप मज़ा ले सकते हैं राइडिंग का। मैंने आपसे कहा था पहले भी कि सुबह की सैर ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो हवा होती है बहुत ही फ्रेश होती है, इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, और ग्रामीण क्षेत्रों की हवा तो और शुद्ध होती है। आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ जो है घना जंगल है, घने पेड़ लगे हुए हैं, और बारिश ने पेड़ों में एक नई जान ला दी। आप देखिए और आप अनुभव कीजिए कि क्या वाकई में जंगल ऐसे होते हैं। दोनों तरफ आप इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। आपके साथ मेरी जर्नी जारी रहती है, बहुत सारी बातें इस जर्नी के दौरान होते रहेगी। आजकल जो है जो मेन जो समस्या है वो समस्या है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की, वो है संबंधों की। आप जब शहर में रहते हैं तो वहाँ पर जो संबंध होते हैं वो औपचारिक संबंध होते हैं, जहाँ पर केवल आप मेल मिलाप करते हो, हाय हेलो करते हो और वहीं संबंध समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब आप गांव में आते हैं तो ये संबंध आपके औपचारिक ना होकर अनौपचारिक होते हैं। आप सुन सकते होंगे पक्षियों की आवाज़। तो हमारी बात चल रही थी कि संबंधों की, और जो गांव के जो संबंध होते हैं अनौपचारिक होते हैं, आपके सुख दुख में वो साथी होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वजह रहती है कि शहरी क्षेत्र से निकलकर ग्रामीण क्षेत्र में आकर बसना। और देखिए एक सिद्धांत कहा गया है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब इतिहास अपने आप को दोहराता है वाली बात करेंगे, तो अब समय आ गया है कि शहरी क्षेत्रों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस किया जाए और उन्हें डेवलप किया जाए, वहाँ पर रोज़गार के साधन उपलब्ध कराए जाएं, कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाए। पिछले दो वर्षों में जो कि कोरोना काल रहा है, शहर की गतिविधि काफ़ी बदल चुकी है। आप देखे होंगे कि जो ड्रोंगो है, ब्लैक टेल्ड ड्रोंगो, अपना
सफ़र जारी रखे हुए थी। सुबह सुबह वो भी अपने एक नई फ्लाइट पर निकली हुई थी जैसे हम निकले हैं। तो दोस्तों, हमारी बात चल रही थी कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल की, और कोरोना काल ने जो शहर का और ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन परिवर्तित कर दिया है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों का जीवन इसलिए परिवर्तित कर दिया है कि आप शहर में कहाँ घूमेंगे। हमेशा एक संकट, एक समस्या जो है वो बनी रहती है। आप देख सकते हैं पक्षी, ये 7 सिस्टर्स है, आज मैंने अपना जो लक्ष्य रखा हुआ है वो दूसरे गांव तक पहुंचना। लगभग समझ लीजिए मेरे घर से उसकी दूरी 5 किलोमीटर होगी, जहाँ पर मैंने बोर्ड दिखाया था वहाँ से 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे घर से वो लगभग 5 किलोमीटर होगा। आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये आवाज़ पक्षियों की है और जो है सुबह सुबह जो मंकी है वो दिखाए उछल कुछ करते हुए। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात साफ कर दूँ और आपको सलाह भी दूँ कि यदि आप साइकिल कर रहे हैं तो एक हाथ में रख कर एक हाथ से साइकिल को ना चलाएं, दोनों हाथ पकड़ कर चलाएं, गिरने की संभावना रहती है और जब गिरेंगे तो हो सकता है आपको चोट लग जाए, तो उससे बचने की मैं सलाह दूंगा। हालांकि एक बात बड़ी अच्छी कही गई है कि किसी को सलाह देने के पहले आप स्वयं चलिए। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना साफ सुथरा और सुंदर जंगल है। हालांकि अब हम जो है थोड़े से हल्के जंगलों की तरफ बढ़े हैं, थोड़ा कम जंगल हो चुका है, और अब आप ये भी देख सकते हैं कि जो सूरज है उसकी किरणें जंगलों पर पेड़ों पर पड़ने लगी है, जिसकी वजह से पेड़ों की खूबसूरती और बढ़ गई है। पिछले दिन की राइडिंग और आज की राइडिंग में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि पिछली बार जो है बहुत सारी जगह पे जो है उतार था, लेकिन आज की राइडिंग की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर उतार नहीं है, आपको लगातार अपने जो पैर हैं वो चलाते रहने पड़ रहे हैं, तो सांस भी जो है फूल रही है। पर कुछ भी कहूँ, मज़ा आ रहा है, एक अच्छा अनुभव, एक अच्छा नया तरीका मुझे मिला हुआ है। और लगभग ये मान के चलिए दूसरे गांव के खेतों तक हम पहुंच चुके हैं और थोड़ी दूर हम सफ़र करेंगे, उसके बाद जो है वापस अपने रूट पर लौटेंगे। अच्छा लग रहा है साइकिलिंग करके। लोग अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसके लिए उठ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, जो ओस गिर रही है उस ओस की वजह से भी पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, मिट्टी की जो सुंदी सुंद खुशबू है उससे भर गया है। आप देख सकते हैं दूसरे गांव के ओर हम पहुंच चुके हैं।
आप देख सकते हैं अब हम दूसरे गांव में पहुंच चुके हैं, और दूसरे गांव का नज़ारा भी आप देखिए, खेत दिख रहे हैं, बहुत ही मस्त खेत दिखाई दे रहे हैं, पक्षी उड़ते हुए, पक्षियों की कोलाहल, और गांव का जो शांतपन है वो हमको दिखाई देता है, गांव का बहुत ही शांत है। हाँ, थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन जो शांत जीवन है वो आपको शहर में नहीं मिलेगा, और इन्हीं चीज़ों के लिए अब लोग तरसने लग गए हैं, तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ लौटना चाहिए। चलिए देखें, हम मैं जहाँ पे वापस आकर थोड़ा सा रुका हूँ, खड़ा हूँ, ये बरगद का पेड़ और यहीं पास में स्कूल। अगर आप स्कूलों की हालत देखें तो बड़ी ख़राब हो गई है पिछले 2 वर्षों में, कहीं पर भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाए हैं, जिससे बच्चों का जो भविष्य है लगातार ख़राब होते जा रहा है। और चूंकि मैं खुद एक टीचर हूँ तो इस समस्या को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये कोरोना काल बहुत जल्दी जाए और बच्चे जो है अपने ट्रैक पर लौटे। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी गांव की ओर। तो हम वापस हो चुके हैं, हमारे गांव से इस गांव तक का जो सफ़र है जो कि लगभग 5 किलोमीटर का था, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट में हमने तय किया है कि उससे भी कम समय में वापस अब लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ खेत लगे हुए हैं, और जो पक्षी है उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक कुछ लोग जो है खेतों में काम करने के लिए निकल चुके हैं। यही तो गांव की ब्यूटी है, यही गांव का जो है सौंदर्य है, हर किसी को नज़दीक से देखी जानी चाहिए, और उन किसानों की बातों को भी समझना चाहिए जो केवल ऊपरी वर्षा से अपना कृषि कार्य करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कहीं भी पानी का साधन नहीं है, केवल जो कुछ भी खेती होगी ये ऊपर के पानी से होगी, वर्षा के पानी से होगी, जो कि सीजनल होता है। और वर्तमान में तो बायोडाइवर्सिटी चेंजेस के कारण कब पानी आएगा कब नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, क्या पता कि कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, कहीं पर आए ही ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे हैं, ये प्रतिभाएं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती है, और बहुत ही आप देख सकते हैं हॉर्नबिल, तो आपको कैसी लगी यह जर्नी, कैसी लगी यह राइड, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएं। हमने जो बातें की उन बातों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें। दोस्तों अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और कहीं नज़र आई तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे में, और नेक्स्ट डे मेरा होगा मेरे अपने वर्किंग स्थल पर, जहाँ पर मैं आज लगभग 9 साढ़े 9 बजे के लिए निकल जाऊँगा, और फिर वही छुट्टियों में आना होगा वापस अपने परिवार के साथ, सभी लोगों के साथ मिलकर छुट्टी बिताने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई समस्या को लेकर। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, हैव अ नाइस डे। और अंततः अपने घर की तरफ लौटाया हूँ, घर लौटाया हूँ। आप देख सकते हैं मैं पसीना पसीना हो गया हूँ, और जैसे ही आया वैसे मेरा पैड जो है वो स्वागत कर रहा है कि चलो वापस लौट आए, बड़ा अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।